हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेलिब्रिटी 7 स्टार में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थेलापरी विजय की लाइफस्टाइल बायोग्राफी के बारे में, जैसे इनकम, हाउस वाइफ, फैमिली बायोग्राफी, एज, एजुकेशन, कार कलेक्शन, मूवीज एंड नेटवर्क। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि विजय एक महीने का कितना पैसा कमाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल C7S को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। थेलापति विजय का नाम हर किसी को मालूम है। रजनीकांत के बाद विजय थेलापति का नाम लिया जाता है। इनकी एक्टिंग की वजह से इनके कई सारे फैन देश विदेश में है। कई सारे हीरो को हम स्पेशल नाम से बुलाते हैं, उसी तरह विजय को उनके फैंस थेलापति कहकर बुलाते हैं। थेलापति का अर्थ कमांडर होता है, जो कि थेलापति नाम के पीछे भी एक स्टोरी है। दरअसल विजय रजनीकांत के बहुत ही बड़े फैन है। रजनीकांत को देख कर ही वो फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। विजय रजनीकांत की तरह ही चलते थे, उनकी तरह एक्टिंग और डांस भी करते थे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनके रियल नेम और निक नेम के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि विजय का जन्म कब और कहां पर हुआ था। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, विजय का जन्म 22 जून 1974 को मद्रास के तमिलनाडु में हुआ, और इनका रियल नेम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, और इनका निक नेम इलाया थेलापति है। विजय प्रोफेशन से एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर है। विजय नेशनलिटी से इंडियन और रिलीजन से क्रिश्चियन है, और इनका घर चेन्नई, इंडिया में है। और अगर बात करें विजय थेलापति की एज की, तो 2022 के हिसाब से ये पूरे 48 ईयर्स के हो चुके हैं। अब देख लेते हैं विजय ने स्कूल की पढ़ाई और अपनी करियर की शुरुआत कहाँ से की। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, विजय थेलापति की स्कूल की स्टडी हमें कोई इन्फॉर्मेशन अब तक मिल नहीं पाई है, लेकिन इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई लोयला कॉलेज चेन्नई से पूरी की। और अगर इनकी फिल्मी करियर की बात करें तो 1994 में विजय की एक फिल्म आई थी रेजिगन, जैसी मूवी में पहली बार विजय के नाम से एलिया थेलापति लिखा गया। एलिया थेलापति का अर्थ होता है जूनियर कमांडर। लेकिन उससे पहले भी एक रजनीकांत की मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम थेलापति था। इस मूवी में रजनीकांत ने कमांडर का रोल किया था, जिसके बाद जब रेजिगन मूवी आई तब विजय के रजनीकांत के फैन होने के कारण अपने नाम के सामने थेलापति लगा दिया, और इसके बाद में ये सिलसिला शुरू रहा और उनके फैंस उन्हें थेलापति नाम से ही जानने लगे। इसी तरह इनके नाम के आगे थेलापति लगा। विजय ने अपने पिता द्वारा बनाई सन 1992 में बनी फिल्म नाल्या थिरुप्पु में एक मेन एक्टर के रोल में अपनी एक्टिंग की करियर की शुरुआत की। अब हम बात करेंगे इनकी फैमिली और शादी को लेकर। इनके पिता का नाम S.A. चंद्रशेखर है, जो कि प्रोफेशन से डायरेक्टर है, और इनकी माँ का नाम शोभा चंद्रशेखर है, जो प्रोफेशन से एक सिंगर है। इसके अलावा विजय की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम विद्या चंद्रशेखर था, लेकिन 2 साल की उम्र में उनकी बहन की मौत हो गई। अगर बात करें विजय की शादी की, तो विजय की वाइफ का नाम संगीता सोरना लिगम है, और इनके 2 बच्चे भी है, जिसमें से लड़की का नाम दिव्या शाशा और लड़के का जैसन संजय है। अब हम जानेंगे थेलापति विजय के कार कलेक्शन के बारे में, कि इनके पास कौन कौन सी लग्जरी कार्स अवेलेबल है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, विजय के पास जो सबसे पहली कार है वो है फोर्ड मस्टंग, जिसकी प्राइस 74 लाख रुपए तक है। और इनकी जो दूसरी कार है वो है ऑडी A8L, जिसकी शोरूम प्राइस पूरे 1.58 करोड़ रुपए तक है। और इनकी जो तीसरी कार है वो मिनी कूपर S है, जिसकी शोरूम प्राइस 34.47 लाख रुपए है। और थेलापति विजय के पास जो लास्ट कार है वो इनोवा क्रिस्टा है, जिसकी प्राइस पूरे 23 लाख रुपए तक है। चलो ठीक है, अब जान लेते हैं थेलापति विजय की नेटवर्क एंड मंथली इनकम के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे विजय पर फिल्म कितना रुपए चार्ज करते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, इनकी नेटवर्क 2022 के हिसाब से पूरे $56 मिलियन हो चुकी है। अगर हम इस इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये पूरे 410 करोड़ रुपए होते हैं। और इसी हिसाब से विजय की मंथली इनकम 3 लाख और सैलरी 36 करोड़ रुपए तक है। और विजय एक फिल्म करने का 20 से 25 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और थेलापति विजय की अपकमिंग मूवी बीस्ट है, जिसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, और ये बहुत जल्द सिनेमा घरों में रिलीज कर दी जाएगी। तो ये थी साउथ की जानी मानी हस्ती विजय थेलापति की रियल लाइफ स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आप भी विजय के फैंस हो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।